ये जो आपके भाई है, क्या नाम उसका, सनी सर। क्या करता था ये? ये ऐसे घूमता फिरता रहता था सर। कुछ मामले हमले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को कौन पे? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। जी, सनी कब से नहीं रहता यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर, जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्न बन। और क्या, पहले क्या किया करता था सनी? कुछ नहीं सर, ऐसे ही हाँ, अपराधी कैसे बना? कैसे, उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपने जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस। और क्या सर। कल अतीक अहमद जो मारा गया उसमें आपके भाई का नाम शामिल है, आपको जानकारी है? जी, हमको नहीं मालूम सर। खड़े हैं कुराना कस्बे के रामलीला मैदान में, यही वो घर है मेरे पीछे जो प्रयागराज में अतीक और अशरफ के शूटर सनी सिंह का घर बताया जा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। सनी सिंह के पिताजी जगत सिंह थे, वो काफी पहले खत्म हो गए थे, माता जी खत्म हो गई थी। 3 भाई थे, एक भाई खत्म हो गया, 2 भाई मिंटू और सनी सिंह है। पिंटू और सनी सिंह, पिंटू घर के अंदर है, निकल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। सनी सिंह इस मामले में पकड़ा गया है। यहाँ के कुछ लोग पड़ोसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। क्या था ये, इसके बारे में बताइए जरा। ये जगत सिंह जी के लड़के हैं, ये काफी 10 साल से यहाँ से नहीं है, यहाँ बाहर था, पहले यहाँ ही रहता रहा है। अब ये पता लगा उसने एक यूपी के डॉन का खात्मा किया है जो बहुत ही अच्छा है, हम लोग के लिए गर्व की बात है और कोई बात नहीं है। उसने जो किया है बहुत अच्छा काम किया। तो ये पहले से अपराधी था? नहीं, पहले तो छोटा मोटा करता था, पहले कुछ नहीं था। 10 साल से हम लोग के बीच में नहीं है, मतलब बाहर रहता रहा है, ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। 10 साल कहाँ था? एक साहब और है, क्या नाम है आपका? अनुज द्विवेदी। अच्छा, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? इसका जो परिवार है वो तो बहुत है, सब समाज में आता है इनका परिवार। और ये जो बालक है इसका नाम आप सनी बता रहे हैं, उर्फ पुराने। ये बच्चा थोड़ा सा छोटा मोटा अपराधी था, बट इतना बड़ा कांड कर देगा शायद पुराना वालों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इतना खड़े हैं यहाँ पे लोग। बट इसने एक माफिया डॉन का इसका सफाया किया है और शायद पुराना वासी धन मानेंगे, बुंदेलखंड सनी धन हो गई। सनी को देख के आपको ऐसा लगता था कि इतना बड़ा अपराध कर सकता है? सनी को तो 10 साल से नहीं, हम पुराना वासी ने देखा है, सनी को 10 साल से नहीं देखा गया है यहाँ, वो बाहर ही रहा है और हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे उसको। तो ये थे वो लोग जो बता रहे हैं कि सनी सिंह ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये उसके ऊपर फक्र महसूस कर रहे हैं। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक।